इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन बेटा हमें टू दो ट्रायंगल्स की क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दी हैं और हमें कहा गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो ऑप्शन, ऑल फोर ऑप्शन में हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, उसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो ये ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट इनकी नेमिंग क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू क्रॉस्पॉन्डेंस ये हमें फाइंड करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, SSS रूल से, क्योंकि थ्री साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल की। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल की नेमिंग क्या रहेगी, आपको क्या लगता है बेटा? जैसे इधर दिए ए बी, बी सी और सी ए, इट कुड बी ए बी सी, तो मैं एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जो इक्वल साइड्स दी हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं सेकेंड ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सी बेटा ध्यान से समझना, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, क्यू आर, तो क्यू आर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट मैंने क्यू आर, मैं स्टेप वाइज ड्रॉ करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सेकेंड ट्रायंगल, तो ए बी और क्यू आर इक्वल है। अब सेकेंड हमें दिया है बी सी इज इक्वल टू, बी सी इक्वल टू पी आर, अब पी आर बी सी इजिकल टू पी आर तो दी है, ये हमें कन्फ्यूज करने के लिए बेटा पी आर लिखा है इधर उन्होंने। अब क्योंकि अगर मैं बी सी इजिकल टू पी आर लिखना चाहूँ तो आर इधर तो आर आ रहा है ना इधर, तो इधर तो हम पी लिख नहीं सकते, तो पी कहाँ आएगा, समवेयर हेयर, यहाँ कहीं लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकता ना, यहाँ तो आर है, तो ये हमारे दूसरी साइड बन गई पी आर। तो बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, बी सी इज इक्वल टू, अब देखो बेटा थर्ड कंडीशन, सी ए बी सी जहाँ एंड हो रहा है, बी सी का एंड हो रहा है सी पे, वहाँ से सी ए निकल रहा है, देखो आ रहा है ना सी ए सी टू ए, और जहाँ आर पी एंड हो रहा है, जैसे हमने ड्राइंग करी बी सी के बाद आर पी, तो आर पी कहाँ एंड हो रहा है पी पे, तो पी से पी क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ओके, तो हमारा सेकेंड ट्रायंगल ड्रॉ। तो अब क्रॉस्पॉन्डेंस देखिए, तो ए के क्रॉस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए, वर्टेक्स मीन्स जो कॉर्नर्स है ट्रायंगल के, उनमें ए के क्रॉस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स है, क्यू, फिर उसके बाद हमने स्टेप वाइज जब हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था क्यू के बाद हमने क्या ड्रॉ किया था, आर, तो बी के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या आया था बेटा, आर आया था, जो हमने ड्रॉ किया ना उस पर जाना है, नेम ही इस पर नहीं जाना हमने, इसमें तो कुछ भी दे सकते हैं, जो हमने ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है ऑल दो, लेकिन हमें देखना ड्रॉइंग में है, इसको नहीं देखना। तो बी के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या दी है, आर, देखो यहाँ पर हमने बी सी पी आर के इक्वल दे दिया हमें कन्फ्यूज करने के लिए, बी जो है आर के क्रॉस्पॉन्डिंग है एक्चुअली, तो बी इज क्रॉस्पॉन्डिंग टू आर, और सी किसके क्रॉस्पॉन्डिंग होगा बेटा, सी विल बी क्रॉस्पॉन्डिंग टू पी, तो ये हमारे पास क्रॉस्पॉन्डेंस आ गई, हमने फाइंड कर ली। हम अब ऑल फोर ऑप्शन में क्रॉस्पॉन्डेंस को चेक करेंगे, तीनों क्रॉस्पॉन्डेंस को, ए बी सी डी मैंने लिख दिया, ऑप्शन ए बी सी डी, देखते हैं इसमें फर्स्ट क्रॉस्पॉन्डेंस सेटिस्फाई हो रही है, ए देखो इधर बेटा ए की जगह इधर फर्स्ट प्लेस पे ए है, लेकिन इधर फर्स्ट प्लेस पे पी है, तो ये वाली क्रॉस्पॉन्डेंस ऑप्शन ए में नहीं सेटिस्फाई हो रही, ओके। अब बी को बी और आर एक प्लेस पे आ रहे हैं, नहीं वो भी नहीं आ रहे, इधर तो बी है और इसके साथ इसके क्रॉस्पॉन्डिंग इधर क्यू है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन ए में। क्या सी इक्वल्स क्रॉस्पॉन्डिंग टू पी है ऑप्शन ए में, नहीं सी के क्रॉस्पॉन्डिंग तो आर है, तो ये तीनों ही नहीं सेटिस्फाई हुए, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन ए को क्रॉस कर देते हैं। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को अगर हम चेक करते हैं बेटा, तो देखो ए के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, इसमें देखो बेटा ए के क्रॉस्पॉन्डिंग क्यू ही आ रहा है, यानी कि
ये वाली क्रॉस्पोंडेंस तो सेटिस्फाई हो रही है। अब बी क्रॉस्पोंडिंग टू आर इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यस इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। देखो इधर बी है सेकेंड नंबर पे, इधर भी सेकेंड नंबर पे क्या है आर है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन बी में। अब सी और पी सेटिस्फाई हो रहे हैं, सी और पी देखो इधर सी है फर्स्ट प्लेस पे है, इधर भी इस वाले नेमिंग में भी सी जो है फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, तो सी और पी क्रॉस्पॉन्डिंग है, तो ऑप्शन बी में तीनों सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम ऑप्शन सी और डी में भी चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन सी और डी में भी तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, चेक योरसेल्फ अपने आप चेक करना और देखना कि इसमें आ रहा नहीं तो। बट मीनवाइल मैं आपको बता दूं हमारा आंसर जो होगा ना ऑप्शन बी होगा, जो कि इस कॉरस्पॉन्डेंस को जो हमने फाइंड करी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू हो जाएगा, सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर।